के साथ बैठी वो पूरी बताएं। मैं भूते सर से बैठी थी जी। ट्रेन में बैठी थी, पीछे से दो तीन डिब्बे पीछे से बैठी थी, मतलब दो तीन डिब्बे थे उसमें बैठी हुई थी मैं। तो 15-16 सवारी भी थी उस टाइम, जिस टाइम में बैठी थी, अकेले नहीं बैठी थी। और उसके बाद ये भी बैठा था, अलग बैठा था। उसके बाद हम लेट गए थे, एक औरत भी लेट रही थी वहाँ पे। और फिर धीरे धीरे करके स्टेशन खाली होता जाता, मतलब ट्रेन खाली होती जाती है, तो वो भी नगर पे वो औरत उतरी है, वो चली जाती है। मुझे पता नहीं था कि सीट सारी खाली हो चुकी है, यही बाबा रह गया, मुझे ये नहीं पता था। बड़ा बूढ़ा आराम से बैठा है, मैंने कि कुछ नहीं है, मैंने देखा नहीं। मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, इस टाइम मैं पर्स में कुछ निकाल रही थी, तो इसने वहाँ से उठ के और मिर्ची पाउडर ला के अपने बैग में से थोड़ी सी बस मुझे पहले से आने लगी। मैंने कि कुछ बात, मैंने कुछ खा रहा होगा, कुरकुरे वगैरह कुछ आजकल। लेकिन इसके बाद उसमें मिर्ची पाउडर मैंने देखा नहीं, केवल मेरी छाती पर जब आया उसको मारने के लिए, मैंने इसके हाथ पकड़ लिए ऐसे करके, तो मेरी आंखों में सीधा नहीं, न के आधे पर्दे में इतने वाले में यहाँ से लेकर मिर्ची पाउडर डल गया। और इसके बाद फिर मैंने उसके हाथों को ऐसे करके पकड़ रखा, मैं जबरदस्ती खड़ी हुई और जैसे तैसे खड़ी, लेकिन ये मुझे डालना चाह के पता नहीं क्या मतलब था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जबरदस्ती इसको खींच तान करके खड़ी हो जाती हूँ, और इसने खींच में चोटी को पकड़ के और अपने बैग में से उसने एक हथौड़ी भी निकाली और कहता है कि एक हथौड़ी दूंगा, फटाफट इनको उतार दे। मैंने बाबा एक मिनट रुकिए, मैं सारे मैंने कि मुझे आंख धुलवा दे। मैं मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें मैं इसको बातों में लगा के यहाँ तक ले आई। बरखंडी आती है, बरखंडी पे आते ही और मुझे बाइक वाले आदमी नजर आते हैं वहाँ पे कच्चे रोड पे, मैं उनको आवाज देने लगती है और मैं इसको खींच के खिड़की के पास जाके, भैया मुझे बचा लो, ये मुझे मार रहा है, भैया मुझे बचा लो। जब मैं चीखने लगी पुकारने लगी तो आसपास के डिब्बों वालों ने भी, खिड़की से जब चिल्लाऊंगी तो आसपास के डिब्बों वालों ने भी सुना, और वहीं पर उसको ट्रेन को रुकवा दिया गया। तो फिर पीछे से गार्ड आता है कि किसी लेडीज के साथ क्या हो गया, क्या होगा। फिर गार्ड, हमने इसको गार्ड के हाथ वहीं रंगे हाथों पकड़ा दिया। उसके बाद फिर हमको यहाँ पे बिठा के रखा है स्टेशन पे, हमको 2-3 घंटे हो गए, हम कब 12 बजे 12:30 के आए हुए यहाँ पे। और इस हमको क्यों बिठा रखा है, हमने आपको आपके हवाले ये कर दिया। इसके बाद हम लेडीज हैं क्या, हम सारी रात यहाँ 6 बजे CRF क्या आएगी, वो जो संशोधन होगा ये संशोधन होता रहेगा, लेकिन अब हमें अपने घर जाने दिया जाए। इस मामले में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आगे चल के यासा किसी के साथ ना हो, मेरे साथ हुआ, इसलिए इसको ये जो आप करना चाहो, मीडिया वालों से कहता हूँ, पुलिस वालों सबसे कहती हूँ, इसको तुम्हारे हवाले कर दिया, बात खत्म हो गई। इसके आगे न मैं कहीं अलवड़ जाऊंगी, न किसी का कुछ करूंगी, मुझे कुछ एक्शन नहीं लेना आगे चल के, बात खत्म होती है मेरी यहाँ पे। सर वो आके रुकी, उसके गार्ड ने मुझे वॉकी टॉकी भी बताया कि किसी महिला के साथ कोई वारदात हुई है और एक आदमी पकड़ा है, उसको पकड़ने के लिए कंट्रोल करने के लिए एक आदमी भेजिए। तो मैंने अपना एक पॉइंट्समैन भेजा वहाँ पर, तो गार्ड उस गाड़ी के गार्ड ने, वो एक आदमी था जिसने इस महिला के साथ में कुछ छीना झपटी और लूटने की कोशिश की, उस आदमी को हैंडओवर हमें किया है गार्ड ने। मैंने तुरंत इसकी सूचना सिक्योरिटी कंट्रोल को दी आगरा, उसके बाद RPF आई है, अब GRP को भी सूचना दे चुके हैं, GRP अलवर से आएगी और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, RPF अभी यहाँ उपलब्ध है। कब का मामला है ये? गाड़ी आई थी 12:03 पे आई थी ये गाड़ी, 12:03 पे आई थी। हाँ जी, अभी 4 बज रहे हैं जी, अभी तक इस महिला को GRP नहीं आई है, क्या कारण है? 3-4 घंटे में अभी GRP ऐसा है, मैं यहाँ पे ना तो GRP का हेडक्वार्टर है, ना ही RPF का है, RPF चौकी नगर है, तो RPF तो आ चुकी है, RPF तो आ गई थी 1 घंटे में, GRP का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो केस है ये लोग GRP को हैंड ओवर करेंगे।